दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे या रिव्यू करेंगे बोया का M1 जो माइक है, बहुत ही अच्छा माइक जो बहुत यूट्यूबर बोलते हैं और बहुत सारे जो यूज़ करने के बाद ये बोलते हैं कि ये माइक बहुत ही अच्छा है और इसका हमको एक पॉजिटिव रिव्यू पूरा मार्केट में मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रिव्यू करूँगा, इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा क्या ये सही है या इसमें कुछ झोल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है और इसका क्वालिटी कैसा है। अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मेरे पास एक पहले का माइक था उससे हो रहा है, ये दोनों का कंपैरिजन भी मैं करूँगा लेकिन वो दूसरे वीडियो में, पहले आज इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि इसको मैंने पूरा अनबॉक्सिंग कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसको बैटरी भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपको बैटरी लगाना है तो भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको ओपन कीजिए और सिंपल से आपको बैटरी लगाने का जगह मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सिंपल से आपको देख रहे हैं यहाँ बैटरी लग जा रहा है और यहाँ पर ये एक्टिव हो जा रहा है। इसकी बात करता हूँ, इसको थोड़ा दिखाता हूँ तो ये क्या है, यहाँ पर ये 20 फीट का आपको पूरा पूरी ये 20 फीट के आसपास का ये वायर है जो कि बहुत ही बड़ा है और आप यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं, नॉइस कैंसिलेशन भी हो रहा है और यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको मिलता है, यहाँ पर कैमरा के लिए मिलता है या तो आपको मिलता है अपने जो स्मार्टफोन है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें है, इसका क्वालिटी मैं दिखाऊंगा कैसा आपको मिलता है। इसके बाद बात करते हैं तो एक क्लिप देता है यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, लगा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही मतलब हार्ड है और ये लोहे का बना हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये जो क्लिप है, अगर वायर की बात करता हूँ तो वायर भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है और काफ़ी इसका जो थिकनेस है वो मोटा ही है। साउंड तो मैं उसका दिखाऊंगा ही। तो इसके साथ आपको मिलता है एक जो माइक वाला जो होता है, जो आपके पुराने जो सेटअप होते हैं उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल से इसमें आपको ये जो पॉइंट है यानी ये जो 3.5 mm का जो जैक है इसको ऐसे प्रेस करके लगाना है और अपने जो पुराने जो सेटअप होता है माइक का वहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा आपको एक पाउच मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है और अंदर में भी इसका देखिए आप जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा देता है। दोस्तों ये है एक वारंटी कार्ड जो कि आपको मिलता है इसके साथ और एक साल का वारंटी के साथ ये जो माइक है वो आता है। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है, बस यही है और आपको यहाँ पर इस बॉक्स में ये मिलता है। तो अभी फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करता हूँ तो इसका बिल्ड क्वालिटी और इसमें बैटरी इम्प्लीमेंटेड होके आ रहा है, मतलब बैटरी अलग ही था लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसके साथ आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है इसके बिल्ड क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी लेके। अब इसका बात करूंगा हम कि यहाँ पर आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है। दोस्तों अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो इस बोया माइक के द्वारा ही रिकॉर्ड हो रहा है और इसका क्वालिटी आप जज कीजिएगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैंने अभी रिव्यू किया और इसको देखा तो यहाँ पर इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा आ रहा और इसके अलावा बताना चाहूँगा नॉइस कैंसिलेशन तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं अपने करीब इस माइक को लेकर आता हूँ तो और भी यह अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ से दूर से जितना आप रखोगे उससे थोड़ा सा यह साउंड मफल भी करता है लेकिन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड करता है। अगर बात करते हैं कि साउंड जो नॉइस कैंसिलेशन की बात है तो काफ़ी हद तक ये कर पा रहा और अगर आप इतना दूर से मेरा आवाज़ समझ पा रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा ये रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पर यह है कि ये जो नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं करता है लेकिन जो इन द रूम में अगर आप कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक कर दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो में बोलूं लेकिन आता है, पर मैं कह सकता हूं कि काफ़ी हद तक ये रिमूव हो जा रहा है साउंड। अगर साउंड की क्वालिटी बात करूं प्रीवियस जो मेरे पास था उससे, इससे तो फार बेटर यहाँ लिख रहा है। और ये बताना चाहूँगा कि इसका जो क्वालिटी मिल रहा है बिल्ड के साथ साथ नॉइस का जो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने टेस्ट किया और मुझे मालूम चला अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मेरा प्रीवियस जो माइक है उससे हो रहा है और अभी थोड़ा देर पहले आपने बोया का माइक का साउंड सुना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये जो पुराने जो मेरा माइक है उससे बोया का माइक काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लियर साउंड रिकॉर्ड कर रहा है और नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है। सामने थोड़ा सा आवाज़ भी आ रहा था जिसको वो फिल्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये जो चीजें हैं साउंड क्वालिटी में तो काफी अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस कितना है और मुझे कितना में मिला? दोस्तों मैं जो ये परचेस किया हूं, 720 रुपीस में बिग बिलियन डे के ऑफर में ये परचेस किया हूं, और ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट पिक रहा इस बिग बिलियन डे में। लेकिन दोस्तों अगर मैं जेन्युइन बात करूं पैसा छोड़ के, तो इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आ रहा। अगर अभी के लिए बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट माइक है अंडर आपका बजट, और आप इसे आराम से आप इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली आते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन पे। तो मेरे ख्याल से ये जो माइक है वो अभी तक मेरे पास बहुत अच्छा काम किया है, और साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो काफी अच्छा, काफी हद तक अच्छा रिकॉर्डिंग ये कर लेता है। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज है बहुत जरूरी, जो है यहाँ पर इसका ये बटन। हमेशा से आपको याद रखना होगा कि ये जो बटन है इसको आपको ध्यान रखना होगा रिकॉर्डिंग से पहले, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था तो मुझे मालूम चला कि यार साउंड नहीं आ रहा। तो इसको कैमरा यानी DSLR के लिए इसको ऑन करके रखिएगा, और ऑफ या स्मार्टफोन के लिए डाउन में प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारा इन्फॉर्मेशन इस माइक के बारे में आपको समझ में आया होगा, और आपको खरीदना है कि नहीं ये आप जज कर पा रहे हो। लेकिन अगर मेरी बात करते हैं और मेरा अगर पिक मानते हैं तो एकदम थम्स अप है, और आप इसे आराम से इसे परचेस कीजिए। माइक हो आपको DSLR हो या आपको स्मार्टफोन हो, दोनों में आप इजी से यूज कर सकते हैं, इजी टू कनेक्ट है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ, और मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।